हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हीरो होंडा स्प्लेंडर का हेड कैसे फिट करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे सामने में ये जो एक हेड है, ये हीरो की स्प्लेंडर बाइक का हेड कैसे फिट करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने ये सारा सामान धो के एक एक करके साफ करके रख दिए हैं। और हीरो होंडा 100 cc बाइक है स्प्लेंडर, इसका हम हेड की एक एक फिटिंग आपको बताएंगे, कैसे फिट करना है और कहाँ फिट करना है और क्या क्या सामान लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेड को हमने साफ सुथरा बिल्कुल धुल लिए हैं और इसको साफ कर लिए हैं। और अब हम अपने इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वॉल सील लगाएंगे नई वाली। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमने ST कंपनी की वॉल सील लाए हैं। अब हम इसमें वॉल सील फिट करते हैं। तो वॉल सील फिट करने के लिए हमको इसमें हल्का सा ऑयल लगाना है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इससे क्या होगा, वॉल सील फट से लग जाएगी। इसको इस तरीके से इस पे ले जाना है, ये इस टाइप से बैठा देना है, ये वॉल सील इस टाइप से फिट होगी। इसी टाइप से हम दूसरी वॉल सील फिट करेंगे, इसमें भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा, वॉल सील जल्दी से फिट हो जाएगी, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये वॉल सील फिट हो गई। अब हमको क्या करना है, ये जो इसके वॉल है नए वाले, इसमें भी हल्का हल्का ऑयल लगाना है। ये जैसे कि देख सकते हैं, वॉल इसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो हमको क्या करना है, ये जो कार्बोरेटर साइड का है, इस साइड में हमको बड़ा लगाना है। ये जैसे कि देख सकते हैं आप, इस साइड बड़ा लगाना है और साइलेंसर साइड में हमको छोटा वॉल लगाना है। ये इस टाइप से वॉल लग जाएगा, ये दोनों वॉल ऐसे फिट हो गए। इसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो दो गोल वाले वाइसर हैं, एक एक करके हम वाइसर लगाएंगे। सबसे पहले हम एक साइड का फिट करेंगे वॉल, इसमें हम एक वाइसर फिट कर देते हैं। ये इस तरीके से एक वाइसर फिट हो जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, स्प्रिंग लेना है, एक बड़ा वाला स्प्रिंग, इसमें दो स्प्रिंग लगते हैं, एक छोटा वाला स्प्रिंग इसके अंदर में डाल के इसको क्या करना है, इस टाइप से फिट कर देना है। ये फिट हो गया। इसके बाद में हमको स्प्रिंग का केप लेना है और इसके जो ये दो लॉक हैं, ये छोटे वाले लॉक हैं, ये लॉक को फिट करना है। ये इस टाइप से फिट हो जाएंगे यहाँ पे, ये केप में। इसके बाद में हमको क्या करना है, इस टाइप से फिट करना है इसको। अगर आपके पास में ये वाला टूल्स है, ये वाला टूल्स है, तो आप इससे फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये वाला टूल नहीं है, आपको इस टाइप का 10-11 का रिंग पाना लेना है, फ्लेट वाला, प्लेन वाला। देख सकते हैं 10-11 का रिंग पाना है किस टाइप से। वॉल के नीचे यहाँ पे हमको कपड़ा लगाना है इस टाइप से। ये सामान हम थोड़ा हटा देते हैं। इस टाइप से कपड़ा लगाना है और ये 10 नंबर वाला, इसको हमको यहाँ पे अंदर पे डालना है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही ध्यान से करना है, नहीं तो आपके जो लॉक वाले वाइसर है ये छिटक सकते हैं। अगर आपके पास में इसका टूल्स नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा उंगली लगा के इसको पाने को थोड़ा ऊपर पुश करना है। ये अपनी उंगली से थोड़ा सा इसको अंदर दबाएं तो ये क्या होगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको लगाने में। ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप से लग जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमने ये 10 के पाने से इसको हमने आसानी से फिट कर लिए। इसको लगाने में थोड़ी मशक्कत करना पड़ेगा आपको, बाकी ये आराम से फिट हो जाएगा, ये अकेला आदमी ही कर सकता है। और अगर आपके पास में टूल्स है तो ये इस टाइप का, अगर आपके पास में टूल है तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हम आपको एक बार टूल्स से भी लगा के दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये वाला वॉल इस साइड डाल दिए साइलेंसर साइड का। इसके बाद में हमको क्या करना है, ये इस टाइप से वाइसर लेना है, सेम जैसे हमने उस तरफ लगाए थे। एक ये बड़ा वाला स्प्रिंग लेना है, उसके अंदर छोटा स्प्रिंग लगाना है, ये लगा दिए हमने। ये स्प्रिंग का केप और इसकी ये दो लॉक वाइसर, ये जो दो लॉक है ये वॉल में जो लॉक होते हैं, ये केप के बाद में हमको इसमें ये वॉल लॉक लगाना है। ये इस टाइप से लगा दें, इसके बाद में इसको इस टाइप से करना है। अब पहले तो हमने ये 10 के पाने से लगाए थे इसको, अब हम आपको बताते हैं ये टूल्स से कैसे फिट करते हैं। तो ये टूल्स आता है इसका, ये सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार के हेड का ये वाले वाल के लॉक लगाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इसको खोल लेना है ऐसा। ये हमने खोल लिए और ये वाला जो सिरा है, ये देख सकते हैं नीचे, ये वॉल में फिट हो जाएगा नीचे से। ये वॉल में फिट हो गया,
अब हम इसको हल्का हल्का कसेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसको हल्का हल्का कसेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा, प्रेस होते जाएगा और इसके लॉक आसानी से बैठ जाएंगे। तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसको दबाते समय इसमें यहाँ पे उंगली लगा लेना है अपनी आपको, ये हमने उंगली लगा ली है, ये देख सकते हैं लॉक को, इसको हल्का हल्का कसना है एक हाथ से, ये बिल्कुल ही आसान तरीके से लग जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही आसान तरीके से बैठ जाएगा। ये अगर आपके पास टूल्स है तो आप टूल्स से इस तरीके से बैठा सकते हैं, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आपको फ्लेट वाला 10-11 का रिंग पाना लेना है। ये हमने दोनों साइड फिट करके दिखाया आपको, एक को पाने से फिट करके दिखाया और एक को इसके स्पेशल टूल्स से इसको फिट करके दिखाए। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमने दोनों साइड के वॉल फिट कर दिए हैं। अब हम इसमें इसकी, ये दोनों वॉल फिट होने के बाद हमको क्या करना है, ये जो केम शाफ्ट है ये केम लगाना है इसकी, इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। ये इसकी केम लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये इस टाइप से, ये इसकी केम लग गई, ये देख सकते हैं ये फिट हो गई इसकी केम, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हमको ये जो रॉकर सेट है इसको इस टाइप से फिट करना है, पहले इधर से ऐसा डालना है, इसके बाद में ये फिट हो गया। अब हमको जो इसकी पिन है तो ये देख सकते हैं पिन दो साइड है, तो जिस तरफ चूड़ी होगी ये देख सकते हैं, ये चूड़ी वाला सिरा इसका बाहर साइड रहेगा, ये हमको इस टाइप से लगाना है, ये देख सकते हैं आप। अब हमको फिर से क्या करना है, ये वाले रॉकर को दूसरे साइड लगाना है, ये हमने एक साइड का फिट कर दिया, इसको भी इसी टाइप से ऐसा डालना है। अगर ये ना लगे तो इसको यानी नट ढीले कर लेना है आपको, जैसे कि देख सकते हैं हम इसको ऐसा लगा रहे हैं, ये आसानी से फिट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये वाला यहाँ पे लगाना है, इसके लिए हमको एक पैकिंग की जरूरत पड़ेगी, इसकी पैकिंग अच्छे से फिट कर लेना है। आप लगे तो इसमें गैस्केट या कुछ भी बॉन्ड लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको इस टाइप से फिट कर लिए, ये इसके बोल्ट लगा लेते हैं हम, ये 8 नंबर वाले बोल्ट लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसकी साइड वाली प्लेट भी लग चुकी है। अब ये इसके ऊपर के नट लगा देना है आपको, बस हो गया, बाकी आपका ये हेड जो है ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये जो जितना सामान था हमने बारीक बारीक पूरा फिटिंग करके बताया आपको, ये भी बताया कि ये पाने से कैसे फिट होगा अगर आपके पास इस टाइप का टूल्स नहीं है, और अगर आपके पास टूल्स है तो इसको इस कैसे फिट कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।